ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मेहगांव विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हुई शुरू। मेहगांव गल्ला मंडी मैदान में विजय संकल्प यात्रा का शंखनाद कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत की तैयारियां की गई। 92 हाईवे के किनारे काफी स्वागत कार्यकर्ताओं की पंडाल लगी हुई दिखाई दी। 40 वर्ष के बाद मेहगांव के विधायक OPS भदौरिया को मिला राज्य मंत्री का दर्जा। भोपाल से ही मध्य प्रदेश गृह मंत्री माननीय नरोत्तम दास मिश्रा के द्वारा कार्यक्रम में विजय संकल्प यात्रा का शंखनाद किया। मेहगांव में शिक्षकों ने कोरोना काल में हो रही सभाओं का प्रश्न चिन्ह भी लगाया। शिक्षकगण संघ के द्वारा शासन प्रशासन से कोचिंग क्लासेस चालू करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर पढ़ाने के लिए ज्ञापन भी दिया। क्या कहना है हमारे भिंड के अंदर, जिस प्रकार से चंबल संभाग देखा जाता है, उस चंबल संभाग में युवाओं को अक्सर फौज का जी फौज में मेहनत जी स्थिति में कॉम्पिटिशन नहीं हो पाया। मैं प्राइवेट शिक्षक संघ विपुल सेठ उपाध्यक्ष पद पर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो चंबल की धरती है, खासकर उसमें जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है जिसमें भिंड शहर आता है, हमारा भिंड जिला आता है, इस जिले में से अगर हम भारतीय सेना को देखें तो राजपूताना बटालियन, जो भारतीय सेना की सबसे सशक्त और मजबूत सेना मानी जाती है, उसमें पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी 10 और कक्षा 12 के छात्र, जिन्हें आप 16.5 साल की उम्र में भर्ती करते हैं, अगर वो बच्चे साल भर कोचिंग नहीं जाएंगे, अगर उनके संस्थाएं नहीं खुलेंगी, कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो क्या उनके ओवर एज में सरकार उनको कोई रिलैक्सेशन देगी? और वहीं अगर दूसरी ओर जो मुख्य विषय हैं, उनकी गणित है, उनका फिजिक्स है, अंग्रेजी है, बायोलॉजी है, हिंदी, समाजशास्त्र, इतिहास, जो विषय उनके कंपटीशन के हैं, क्या अगर इन विषयों की वो पढ़ाई से वंचित होंगे तो क्या देश को सशक्त कर पाएंगे? तो हम शिक्षक संघ के तरफ से, हम सभी प्राइवेट कोचिंग संस्थान के लोग आपसे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे आपने सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोल दिए, व्यावसायिक मॉल खोल दिए हैं, तो हम शिक्षक संस्थान में आपकी COVID-19 महामारी की जो प्रिकॉशंस हों, WHO जो गाइडलाइन प्रकोटेड कर रहा हो, उस गाइडलाइन के तहत हम सभी लोगों को आप दिशा निर्देश दें। हम बाकायदा अपना कच्छ संक्रमण रहित करवाएंगे, बच्चों को मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करवाएंगे और हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपनी जीविका को चलाने के लिए आज हम सब शिक्षक संघ यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। हमारे यहाँ राजमंत्री जो अभी बने हुए हैं, हमारे मेहगांव जिले का, जो हमारा मेहगांव जिले में आता है, भिंड जिले में, इसका सौभाग्य कि 40 वर्षों के बाद यहाँ से कोई मंत्री पद को ग्रहण कर रहा है, तो हम सभी की मांग है और हमारे गृहमंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, हमारी सब शिक्षक संघ की मांग है कि हम लोगों की मांग को सुना जाए। अब 4 महीने से अधिक का समय हो चुका है, जुलाई का माह भी अंत होने पर आ रहा है और जो हम लोगों की आर्थिक दयनीय थी वो दशा दिन प्रतिदिन और खराब होती हुई जा रही है। एक मंच पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास नहीं दिखे मास्क। कोरोना काल में जब सभी जगह लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन उपचुनाव की तैयारियों में शासन की 188 धारा की 144 धारा की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना बचाव को लेकर कोई भी इंतजाम नहीं। एक मंच पर एक दूसरे से चिपके बैठे दिखाई दिए मंत्री। जनता से मांगा भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प। प्राइम न्यूज 24 के साथ ब्यूरो इमरान अली खान।